तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो हम आज बताने वाले हैं कि VN एप्लीकेशन की मदद से आप अपने वीडियो के स्काई को बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टाइप का पेज खुल जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद आप अपना जिस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं आपको उसको ले लें। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वीडियो। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्काई बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको जो प्लस के आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो पे आपको क्लिक करनी है। वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्काई का जो वीडियो है मैं वो ले लेता हूँ। और अगर आपको भी ये वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने देते हैं। यहाँ पे जो फालतू पार्ट है हम फालतू पार्ट को हम थोड़ी कट कर देते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैची वाली जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे आके क्लिक करके कट कर लेना है। यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये वाले जो फालतू पार्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे इसको हम फुल रखेंगे। अब आपका क्या करना है, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद स्काई को अच्छे से हम लगा लेते हैं। यहाँ पे ये लग गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। अब वीडियो का मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है पूरे स्काई को चेंज करने की। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो इस आइकन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाली ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाली जो दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको टू फिंगर से इसको आपको घुमा लेना है। घुमाने के बाद जो यहाँ पे आपको एरो जो दिख रही है आपको, उस एरो को नीचे खींचना है। अब खींचने के बाद देखें यहाँ पे हमारा लग चुका है। आप यहाँ पे पिक का जो ऑप्शन है हम इसको सेंड करेंगे। अब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये यह हमारी स्काई की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूज़िक लगाना। तो मैं यहाँ से एक म्यूज़िक ले लेता हूँ, म्यूज़िक ले लेता हूँ एक। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आने के बाद आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस वाले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड वाले पे आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो फिल्टर है आपको फिल्टर पे क्लिक करके आपको एक फिल्टर लगा लेना है अच्छा सा। तो यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगा लेता हूँ, ये फिल्टर अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे लगा लिया फिल्टर। इसको हम सेंड करते हैं। अब इसके बाद हमारा फुल फॉर्म पे वीडियो देखिए कैसा बन चुका है। ये देखिए यहाँ पे और भी इफेक्ट्स है, आप चाहे तो आप इफेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।